नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। देश में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन वह सुधारने के बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा है। जनपद गाजीपुर के जिला अस्पताल से भी एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है जो स्वास्थ्य महकमा का पोल खोल रही है। वहीं पुलिस का एक मानवीय चेहरा भी सामने ला रही है। जी हां, एक दिन पूर्व जिला अस्पताल में जेल से कुछ बंदी इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे, जिनकी सुरक्षा में उनके साथ सिपाही भी आए थे। इन्हीं बंदियों में जिसका एक पैर नहीं होने की वजह से वो पैदल चल पाने में असमर्थ था और उसका इलाज भी कराना था। पुलिसकर्मियों ने पहले अस्पताल प्रशासन से व्हील चेयर या स्ट्रेचर की मांग की तो पता चला कि ये नई चेयर 200 बेड के अस्पताल के लिए है और स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं है। तब इन पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य महकमा का भरोसा छोड़ मानवता का धर्म अपनाते हुए अपने कंधों का सहारा देकर इस बंदी का इलाज वापस जिला जेल लेकर गए। इस दौरान जिला अस्पताल में सीएमओ और सीएमएस भी मौजूद रहे। एक भी मिला तक नहीं आता नहीं, अभी जिला अस्पताल में से मरीज को लेकर आप लोग टांग करा रहे हैं। व्हील चेयर एक ही है जी, व्हील चेयर कोई लेके गया था शायद, बता रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग अंदर गए तो बताया कि व्हील चेयर कोई लेके गया। बहुत देर से आप मतलब कैदी को लेके आप इधर से, ये इनका बैंडेज हो रहा था यहाँ पर, बैंडेज हो गया, गाड़ी में इनको गर्मी लगती है, गाड़ी में ये तो रहा था धूप में, जिसमें इनको पंखे के नीचे लिटाया गया था। ऐसे में मतलब व्हील चेयर नहीं था तो कम से कम अस्पताल प्रशासन को स्ट्रेचर भी दे सकते थे इसके लिए। व्हील चेयर था नहीं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये गाजीपुर का कल्पना से परे हॉस्पिटल का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में पूरा हुआ और इस वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी गाजीपुर के साथ शौचालय व्यवहार कर रहे हैं। और आप अभी देखिए अपने कैमरे में कैद भी किए हैं कि दो सिपाही और बाइक पे लोग मरीज ले आ जा रहे हैं, ला रहे हैं। यहाँ कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था है कि यहाँ पे जब स्ट्रेचर नहीं है तो दवा और सड़क लाइट की बहुत दूर की बात करते हैं। गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।